महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के रास्ते अलग अलग हैं। उद्धव ठाकरे सीएम बन गए और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस नेता विपक्ष। लेकिन कई महीनों के सियासी संग्राम के बाद एक बार फिर मोदी और उद्धव ठाकरे साथ साथ दिखे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे में होने वाले डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पुणे पहुंचे। वहां पर उनके पहुंचते ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के सीएम बनने के बाद पीएम मोदी से उनकी ये पहली मुलाकात है। पीएम मोदी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ डीजीपी और आईजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी और शिवसेना प्रमुख सीएम उद्धव ठाकरे की ये मुलाकात इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि जब महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी सरकार बनाने में नाकाम रही थी तो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की चर्चा चल रही थी। इसी दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी, मोदी और केंद्र सरकार पर हमला करते रहे कि ये सब उनके इशारों पर ही हुआ है। हालांकि पुणे में हुई ये मुलाकात सियासी से दूर है, लेकिन सियासी पंडित इसके मायने जरूर निकालेंगे क्योंकि अभी भी शिवसेना के बयानों से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को लेकर वो बेकरार है और जरूरत पड़ी तो बीजेपी के साथ दोबारा सत्ता में आएगी, क्योंकि पुणे एयरपोर्ट पर ठाकरे ने जिस गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया, इससे तो यही लगता है कि सियासत कभी भी करवट ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।